ये हमारा जो मॉडल है 28 BC5 मॉडल है, 28 लीटर्स, ब्लैक बॉडी, कन्वेक्शन मोड है इसमें, और फिफ्थ सीरीज है हमारी। इससे पहले 4 मॉडल आ चुके हैं इसी में, ये फिफ्थ सीरीज है हमारी। ठीक है, तो बॉडी अगर आप देखेंगे इसकी ब्लैक बॉडी है, इसलिए इसका नाम बी से दिया गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक स्कैनर दिया गया है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे, गूगल क्रोम में जाएंगे, यहाँ पे एक स्कैनर का ऑप्शन होता है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्कैनर ऑन हो जाएगा। यहाँ से आपको इस बार कोड को स्कैन करना है, जब स्कैन करेंगे तो एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक पे आप दबाएंगे तो ये सीधा आपको माई आई एफ बी ऐप पे लेके जाएगा। तो आपके मोबाइल में माई आई एफ बी ऐप डाउनलोडेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो जो रेसिपीज इस मॉडल में अवेलेबल है वो सारी रेसिपीज आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इसका कंप्लीट डिस्प्ले है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे इंडियन डिलाइट, ऑर्गेनिक सुपर, ब्रेकफास्ट सेलेक्ट, ट्रेडिशनल करीज, ब्रिलियंट बेक, डेली स्पेशल, पनीर घी, ये सारे हमारे ऑटो कुक मेन्यूज हैं यहाँ पे। इसके अंदर ये अलग अलग कैटेगरीज में हम अलग अलग खाना जो है बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूंगा ब्रेकफास्ट सेलेक्ट में, तो मैंने ऐप में ये खोला था, ऐप में जब खोला था तो मैं यहाँ पे ऐप में कैटेगरी में जाऊंगा, तो कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया। कैटेगरी में क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे किया ब्रेकफास्ट से रिलेटेड मैं चीजें देखना चाह रहा हूँ, तो मैं ब्रेकफास्ट सेलेक्ट पे गया। मैंने यहाँ पे कोई भी रेसिपी जो मैं बनाना चाहता हूँ वो मैं चेक कर लूंगा यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे कि अगर मुझे जो है पोहा बनाना है, तो मैं यहाँ आया और पोहे पे मैंने क्लिक किया। क्लिक किया तो इसने मुझे बता दिया कि प्रिपरेशन टाइम जो है वो 15 मिनट लगेगी इसमें, जिसके बाद कुकिंग टाइम जो है वो 6 मिनट लगेगी, 4 लोगों की सर्विंग हो जाएगी, 4 लोग खा सकते हैं, और इंग्रेडिएंट उसमें क्या क्या लगेंगे, तो 2 कप पोहा का लगेंगे, ठीक है, 1/2 टेबल स्पून जो है वो ग्रीन पीस, तो इस तरीके से जो जो इंग्रेडिएंट उसमें डलेंगे वो हो गया। उसके बाद उन्होंने स्टेप बता दिया कि किस तरीके से वो बनेगा, तो ये पूरा स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर एक बाउल रखिए, ठीक है, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो डाल दीजिए, सिर्फ पोहे, साल्ट, शुगर, लाइम एंड गार्निश की बात करें तो इनको छोड़ के, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस ऐप की मदद से आप देख सकते हैं कि किसी खाने को बनाना है तो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब अगर मेरे को पोहा बनाना है तो मुझे करना क्या है, तो मेरे को यहाँ पे ब्रेकफास्ट मेन्यू में मैंने देखा था BS19 पोहा है, तो ब्रेकफास्ट पे मैं गया, ये मेरा ब्रेकफास्ट सेलेक्ट हो गया। जब मैं इस पर दबाऊंगा तो ये BS0123 आ रहा है, तो ये मेरे को लेके जाना 19 पे। आया और डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा, तो ये मेरा चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेकफास्ट सेलेक्ट मैंने कर लिया। मान लीजिए मेरे को कोई पनीर से रिलेटेड आइटम बनाना है, तो पनीर से रिलेटेड आइटम बनाना है तो मैं दोबारा से अपना कैटेगरी में गया, मैंने सेलेक्ट किया पनीर। पनीर में मान लीजिए मुझे घी निकालना था, तो मैंने यहाँ पे घी पे सेलेक्ट किया, और इन्होंने बताया कि प्रिपरेशन में 15 मिनट लगेगा और बनने में लगभग 13 मिनट लगेगा, तो 4 लोगों की सर्विंग होगी, प्रिपरेशन का ये तरीका है, उसमें लगेगा क्या, 3 कप बटर ग्लोबल्स लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए PG04 है घी के लिए, तो मैं पनीर और घी में गया, 4 पे किया और डायरेक्ट स्टार्ट किया, तो मेरा चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो जो ये मेन्यूज है, इंडियन डिलाइट, ऑर्गेनिक सुपर, ब्रेकफास्ट, ट्रेडिशनल करी, ब्रिलियंट बेक, डेली स्पेशल, पनीर एंड घी, तो इन लोगों की अगर हम बात करें तो ये सारी जो चीजें, इवन ऑयल फ्री कुकिंग भी, ये सारे ऑटो कुक मेन्यूज है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं बटन दबाऊंगा, जो भी मेरे को सेलेक्ट करना है वो उस फंक्शन पे लेके जाऊंगा और स्टार्ट कर दूंगा, तो मेरा ऑन हो जाएगा, डायरेक्टली कुकिंग कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मेरे को टाइम सेट करना है तो क्लॉक टाइमर पे जाऊंगा, दबाऊंगा, ये ब्लिंक कर रहा है, अब यहाँ लिखा हुआ 10 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकेंड, तो मैं अगर इसको दबाऊंगा तो ये सीधा घंटे में होगा, तो 2 घंटे हो गए, 3 घंटे, 4 घंटे, तो मान लीजिए अभी सुबह के 6:20 हो रहे हैं, तो मेरे को 6 सेट किया मैंने, 20 मिनट के लिए यहाँ पे दबाऊंगा तो 10 मिनट, 20 मिनट, मान लीजिए 6:20
22 मिनट हो रहे हैं, तो इसको दो बार दबाऊंगा तो 22 मिनट, उसके बाद जब इस पर दबाऊंगा तो ये मेरा सेट हो गया। नेक्स्ट बात करें तो और चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो स्टीम क्लीन की बात करें, अगर हमारा माइक्रोवेव जो है वो उसकी जो कैविटी है वो अंदर से क्या है, ये कैविटी जो है अंदर से चिकना इस पर लगा हुआ है, गंदा हुआ हुआ है, तो मैं एक बाउल के अंदर नींबू पानी लूंगा, उसके अंदर नींबू पानी लूंगा, उसके अंदर नींबू डालूंगा और इसको मैं सेंटर में रख दूंगा। सेंटर में रखने के बाद इसको बंद करूंगा और डायरेक्टली स्टीम क्लीन को दबाऊंगा और स्टार्ट कर दूंगा, तो अंदर क्या है सारी की ये जो पानी है वो भाप बन के पूरी कैविटी पे लग जाएगा और हमें क्या करना है बस उसको एक साफ कपड़े से, जो माइक्रोफाइबर का कपड़ा होता है उससे हमें उस पर कपड़े को। नेक्स्ट बात करें डीओडराइज की बात करें तो डीओडराइज क्या होता है, कभी कभी हमारे खाना जब हम खाना बनाते हैं तो अंदर से कोई जलने की स्मेल आती है शुरू में ही, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे डीओडराइज दबाएंगे, पहले इसको हम कैंसिल कर देते हैं, डीओडराइज दबाएंगे और डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे। तो इस केस में जो भी हमारे खाना बना रहे हैं हम जब बना रहे हैं और वो जो जलने की स्मेल आ रही है तो वो स्मेल जो है इससे सारी हट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फर्मेंटेशन एंड कीप वार्म, ये भी एक तरह का हमारा जो है ऑटो कुक मेन्यू में ही आता है। फर्मेंटेशन और कीप वार्म की बात करें तो अगर जैसे हम यहाँ पे देखें, हम दोबारा कैटेगरीज में जा रहे हैं, कैटेगरीज में अगर हम जाएंगे ये आ गया फर्मेंट कीप वार्म, तो जब यहाँ पे जाएंगे तो उसने बताया हमें कि अगर आपको दही बनानी है, पिज्जा बनाना है, इस तरीके के कोई भी चीज बनानी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसी में एक लास्ट ऑप्शन है कीप वार्म, अगर आपको खाना आपने खाना बनाया है और आपके गेस्ट जो है वो 1-1.5 घंटे में आने वाले हैं तो आप कीप वार्म का यूज कर सकते हैं, वो खाना आपका ठंडा नहीं होगा, माइक्रोवेव उसको बार बार एक टेम्परेचर पे गर्म करके रखेगा नॉर्मल टेम्परेचर पे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो मैंने इस पर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 10 लेवल पे कीप वार्म है तो मैंने 10 लेवल पे सेट कर दिया। 10 लेवल पे सेट करने के बाद मैंने टाइम जो है 10 लेवल पे जाने के बाद मैंने सेलेक्ट किया तो टाइम मुझसे पूछा, मैंने बोला कि ये जो है 60 मिनट के लिए 1 घंटे के लिए रहना चाहिए, तो 1 घंटे के लिए माइक्रोवेव जो है वो आपका खाने को गर्म रखेगा। नेक्स्ट बात करें पावर लेवल की, तो पावर लेवल आप माइक्रोवेव में अलग अलग सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने एक बार दबाया तो 100 लेवल है, दो बार दबाया तो 90, इस तरीके से अलग अलग लेवल पे हम इसको सेट कर सकते हैं। कौन सा लेवल मुझे चाहिए वो मैं, अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे अपना कोई भी एक चीज़ ले लेते, जैसे मेरे को पिज़्ज़ा को गर्म करना है, रीहीट करना है, तो इसने बोला कि पावर जो है वो 60% लेनी है और टाइम जो है वो 1 मिनट लेना है, तो मैंने पावर जो है वो 60% लेनी है और टाइम 1 मिनट लेना है, तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। मैं पावर लेवल पे गया, पावर लेवल मैंने 60 सेट कर दिया और टाइम मैंने 1 मिनट ले लिया, और मैं जब सेलेक्ट करूँगा तो ये आपका 60% पावर लेवल पे 1 मिनट तक माइक्रोवेव चलेगा और आपका पिज़्ज़ा रीहीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम डिफ्रोस्ट की, तो अगर आपका कोई खाना है जो फ्रीजर में रखा होता है, जैसे कि पीनट्स वगैरह होते हैं, मटर वगैरह होते हैं, या फिर कोई फ्रोजन आपका मीट वगैरह है, ठीक है, तो उसको डिफ्रोस्ट करने के लिए टाइम डिफ्रोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। डिफ्रोस्ट का मतलब होता है कि एक तरीके से उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आने के लिए, तो अगर आपने इस पर क्लिक किया और उसके बाद आप टाइम दे दोगे, क्योंकि टाइम डिफ्रोस्ट है तो यहाँ पे टाइम देना, तो मैंने दे दिया 11 मिनट का मान लीजिए, उसके बाद स्टार्ट कर दिया तो 11 मिनट में उसको रूम टेम्परेचर पे ले आएगा, जो भी बर्फ में रखा था आपने, फ्रीजर में रखा था, वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। ग्रिल आपको सेलेक्ट करना तो डायरेक्टली यहाँ ग्रिल सेलेक्ट करके आप टाइम दे सकते हैं, 11 मिनट का दे दिया मैंने, 11 मिनट मान लीजिए 10 सेकंड का दिया, स्टार्ट किया, स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कन्वेक्शन मोड की बात करें तो मैंने टेम्परेचर 150 से शुरू हुआ, मान लीजिए 180 टेम्परेचर देना है और टाइम मैंने देना है 11 मिनट 10 सेकंड का, स्टार्ट किया तो मेरा इस तरीके से रन कर दिया। नेक्स्ट बात करें कुकिंग टाइम का, तो नेक्स्ट बात करें तो 4-in-1 कॉम्बो कुकिंग लिखा हुआ है,
तो 4-in-1 कॉम्बो कुकिंग पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आपने क्लिक किया यहाँ पे, आप देख सकते हैं जब C1 लिखा आ रहा है तो माइक्रोवेव मोड और कन्वेक्शन मोड दोनों चीजें हैं, ठीक है। दोबारा इस पे क्लिक करेंगे C2 आ गया तो माइक्रोवेव मोड प्लस ग्रिल मोड आ गया। तीसरी बार दबाएंगे C3 पे ग्रिल और कन्वेक्शन दोनों है, और अगर C4 दबाएंगे तो तीनों मोड चल रहे हैं। जो भी मोड आपको सिलेक्ट करने हैं, C1 C2 C3 C4 ये कॉम्बो मोड्स हैं, तो आपने C4 लगाया और उस पे 10 मिनट के लिए दे दिया, स्टार्ट किया, तो ये 10 मिनट में तीनों मोड जो है पर्टिकुलर टाइम पे डिवाइड कर लेंगे अपने आप को और उसे रन करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑटो कुक मेन्यूज के लिए यूज होता है, जब कुछ कुकिंग हमारी जो रेसिपीज है वो कॉम्बो मोड मांगेंगी तो उसमें आपने डायरेक्ट कॉम्बो मोड लगाना, टाइम लगाना और उसको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। कुकिंग टाइम की बात करें, यहाँ पे एक कुकिंग टाइम लिखा हुआ था, ये आप पावर लेवल जब सेलेक्ट करते हैं तो पावर लेवल सेलेक्ट करके कुकिंग टाइम पे क्लिक करेंगे तो टाइम मांगेगा, तो 10 मिनट दिया, स्टार्ट कर दिया। तो दो तरीके हैं, या तो आप पावर लेवल दबा के डायरेक्टली टाइम दे सकते हैं, या फिर पावर लेवल दबा के कुकिंग टाइम देके फिर टाइम दे सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट डेमो था।